भी डाल दे रहे हैं, आप यहाँ से देख भी सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे आज, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी बातें करेंगे आज। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे की बात। तो कल हम लोग बात किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म बात किए थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पे a जीरो नहीं होता है। अगर a जीरो अगर हो जाए, ठीक है, a अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह के लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अगर इसके जो रूट्स होंगे ना उसको हम लोग अल्फा बीटा एज्यूम करेंगे, इसका जो रूट्स होगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे, यानी इसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। ये वैल्यू जीरो दो कंडीशन में देगा, दो ऐसे एक्स का वैल्यू आएगा जब ये जीरो होगा। अगर एक अल्फा है तो दूसरे को बीटा एज्यूम करते हो। और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे अगर एरिया फाइंड करना है, अगर किस चीज का एरिया फाइंड करना है तो क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये जैसे किसी का मान लो लेंथ है x प्लस 3 और ब्रेथ है x, तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन बन रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। आज स्टार्ट करने चल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है, और सॉल्व करने के कितने मेथड है और उस मेथड को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन तो हम लोग कल कर लिए थे लगभग। तो चलिए आज हेडिंग डालते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। यहाँ से ध्यान दीजिएगा सारे आदमी, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स हो जाएंगे। और तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग तीन मेथड का यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग तीन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं वो मेथड सब क्या है। पहला क्या है कि इसमें सबसे पहले इसके दो रूट्स होंगे याद रखना है ना। तो मेथड क्या होगा, मेथड तो तीन मेथड्स है इसके सॉल्यूशन के। पहला कौन यूज करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय फैक्टराइजेशन जो आपको पहले से मान के चलते हैं कि आपको फैक्टराइजेशन पहले से आता है। एक तो यह मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड से। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये जो मेथड होता है ना वो आपके एग्जाम में कभी कभी दे देगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करो। और कंप्लीटिंग स्क्वायर से अगर लिख दिया तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपके लिए, हालांकि जब सीख जाओगे तो आसानी लगेगा। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब तीसरा मेथड जो होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ, अब जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे उससे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधर्या चार्ल्स का फॉर्मूला, जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसी को यूज करेंगे। और इसका दूसरा नाम क्या है, श्रीधर्या चार्ल्स, याद रखिएगा ये श्रीधर्या चार्ल्स का फॉर्मूला, इसको भी यूज करके हम लोग सॉल्व करें। तो आज हम लोग
एक एक करके सब कुछ देखेंगे, ठीक है। और अपने को पता है कि ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इसका जनरल फॉर्म होता है जहाँ ए जीरो नहीं होता है और ए बी सी क्या होते हैं, सम इसके रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन में क्या सीखना है अपने को, सो देखो, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होते हैं, है ना। और फैक्टराइजेशन मेथड में क्या सीखते हो, फैक्टराइजेशन मेथड में हम लिखते हैं कि सबसे पहला तो स्टेप वन में ये है, स्टेप टू में क्या सोचते हो फैक्टराइजेशन के लिए, अगर मेथड वन की बात आज कर रहे हैं तो स्टेप टू में क्या सोचते हैं, कि स्टेप टू में आप सोचते हो क्या कि जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म है उसको ऐसे लिखना होता है ताकि प्रोडक्ट करने पर लास्ट वाला आ जाता है और ऐड या सब ऐड करने पे बीच वाला टर्म हो जाता है। यानी अगर पी क्यू की बात करें मान लो, तो ये ए सी होना चाहिए, ये ए इंटू सी होना चाहिए, और पी प्लस क्यू की बात करें तो ये क्या हो जाना चाहिए, बी हो जाना चाहिए। जो भी यहाँ का कॉफिशियंट होता है एक्स स्क्वायर को, वो हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों को सम करें, जो इस फॉर्म में भी लिखे उन दोनों का सम करें तो बी आ जाता है, ठीक है। और हम इसको क्या करते हैं, इस फॉर्म में फिर लिख लेते हैं। और जो हमारा क्वाड्रेटिक स्टेप थ्री में आप क्या करते हो, ये अब जब आपको मिल जाता है तो इस चीज़ को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी प्लस सी को आप क्या करते हो, लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू का होल एक्स प्लस, और ये लास्ट में तो सी ही रहता है, या इसको ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस सी, ऐसे आप लिखते हो। और फिर क्या होता है, जो भी कॉमन टर्म होता है फर्स्ट दोनों में उसको बाहर करते हैं। स्टेप फोर में क्या करते हो, क्वेश्चन से भी देखेंगे, स्टेप फोर क्या करते हैं, टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म पहले दोनों से आप कॉमन करते हो एंड देन रिमेनिंग टू टर्म, देन रिमेनिंग टू टर्म, पहले दोनों से कॉमन करते हो और फिर बाद के दोनों से कॉमन करते हो, ये सब तो आपको आता ही होगा, है ना। और इक्वेट ईच ऑफ लीनियर जो भी आ जाता है, और लास्ट में आप क्या करते हो उस चीज को जीरो के इक्वेट कर देते हो, लास्ट में क्या करते हैं, इक्वेट ईच ऑफ द लीनियर फैक्टर टू जीरो, जो दो फैक्टर आता है उसको जीरो के इक्वेट करते हैं, और एंड हेंस, और इसके रूट्स जो होते हैं वो फाइंड हो जाते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। ये इतना स्टेप आप करते हो, ये आपको पहले से भी आता है ये चीज, तो ये काम आप करते हो, है ना। अब मान लो कि अल्फा बीटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स बनते हैं, अगर अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स बनते हैं, तो इफ एक्स माइनस अल्फा, अगर आप फैक्टर बनाए तो लिखोगे क्या, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में आता है इक्वल टू जीरो, देन देखो ये जीरो अगर है इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट वन तो जीरो होगा ही होगा, एटलीस्ट वन ऑफ एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा मस्ट बी जीरो। क्यों जीरो करते हैं वो सिखा रहे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा अगर जीरो है, मतलब या तो ये जीरो होना चाहिए या तो ये जीरो होना चाहिए, तभी तो जीरो इंटू एनीथिंग इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो होगा तब या तो ये जीरो हो जाएगा तब, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस चीज को, फिर हम लोग जो भी आया एक्स माइनस अल्फा या एक्स माइनस बीटा उसको जीरो के इक्वेट करते हो, तो एक बार एक्स माइनस अल्फा को जीरो करते हो और एक बार एक्स माइनस बीटा को जीरो करते हैं, और यहाँ से दो रूट्स आपको पता हो जाता है, एक अल्फा और एक बीटा, ऐसे अज्यूम करके हम लोग चलते हैं, जनरल अल्फा और बीटा को ही मान लेते हैं, ठीक है। और अगर ये निकल जाएगा तो फिर अच्छा, कभी कभी अपने को ऐसा भी मिलेगा कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीख जाते हो डी, अगर ये डी सेम आ जाता है तो
तो आगे उसकी भी बात करेंगे डी निकाल के, और डी अगर सेम आ जाता है तो हमारा जो रूट्स है वो इक्वल हो जाएगा। अगर डी, और यहाँ से सबसे पहले हम डी भी चेक कर सकते हैं, अगर डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और अगर ये जीरो आ जाता है तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो या तो स्क्वायर फॉर्म बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आ जाएगा, या तो ए प्लस बी के स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। जब ये जीरो आ जाएगा तो वो आगे हम लोग देखेंगे। चलो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं और फिर हम लोग फार्मूला भी ड्राइव करेंगे सेकेंड मेथड के लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी देखेंगे। तो सबसे पहला चीज एक क्वेश्चन करके आप लोग बताओ कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और माइनस फाइव इक्वल टू जीरो है तो इसके दो रूट्स कौन कौन होंगे, फटाफट आप लोग बताइए, इसके दो रूट्स कौन कौन होंगे फटाफट बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो है, इसके दो रूट्स बताइए फटाफट। तो बताएगा फैक्टर मेथड से, फैक्टर मेथड से आएगा क्या? हाँ आ जाएगा, फैक्टर मेथड से आ जाएगा। इसके जीरो निकालने के लिए फैक्टर मेथड से क्या सिखाए थे कि इसको इस फॉर्म में लिखो, इसको इस फॉर्म में लिखो, ताकि ऐड करने के बाद यही मिल जाए और प्रोडक्ट करने के बाद ये। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अपने को कितना दिया हुआ है, माइनस फिफ्टीन, फाइव माइनस वन आ रहा है, बहुत आंसर आ गया, चलो सही है। तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, और x कॉमन कर लो, x माइनस फाइव प्लस वन कॉमन कर लो, x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आएगा x माइनस फाइव और x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू फाइव, और यहाँ से x प्लस वन इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू माइनस। ये था इसके फैक्टर मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप उसको बना के दिखाइए बाय द फैक्टर मेथड। क्वेश्चन ये है 2x स्क्वायर प्लस 6 रूट 2x प्लस 9 इक्वल टू जीरो, फैक्टर मेथड से सॉल्व कीजिए, फैक्टर मेथड से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। अगर किसी का आंसर आए तो कमेंट कीजिएगा फटाफट। फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है, आंसर आया नहीं आया तो देखो क्या करते हैं, नहीं आया तो देखो इसके लिए क्या करते हैं। फैक्टर मेथड के लिए अपने को क्या करना है कि ये जो टर्म है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले ये तो यहाँ आ जाता है, ये तो यहाँ आ जाता है, तो क्या बन जाता है, ये बन गया 18, ये बन गया 18। अब 6 को ऐसे लिखो, 6 रूट 2 को, कि 18 बन जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर तो रहेगा, अगर इसको लिखते हैं 3 रूट 2 अब x प्लस 3 रूट 2x, ध्यान से देखो प्लस 9 इक्वल टू जीरो, क्या ऐसा लिख सकते हो 3 रूट 2 और 3 रूट 2 6 रूट 2, और अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 आ जाएगा, 9 रूट 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ से कॉमन क्या कर सकते हो, ये भी अब इसके बाद भी थोड़ा प्रॉब्लम, कॉमन क्या कर सकते हो सो देखो,
जिसमें टू है और यहाँ रूट टू है, और टू का मतलब होता है रूट टू दो बार है, तो एक रूट टू तो इससे ले सकते हो बाहर और एक एक्स भी बाहर ले सकते हो। तो एक रूट बाहर निकल गया तो इसका एक रूट बचा हुआ है, और दो एक्स था, एक एक्स निकाल लिए तो एक एक्स भी बच गया, और यहाँ से रूट टू एक्स बाहर लिए तो +3 बच गया, आसान हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे कि रूट टू एक्स बच जाए, तो 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, निकाल दो 3x, और यहाँ से ये आ गया। यहाँ से इन दोनों में से सेम कॉमन है, रूट टू एक्स प्लस थ्री बाहर कर लो, और यहाँ से रूट टू एक्स प्लस थ्री को बाहर कर लो, तो आपको यहाँ से रूट टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो रूट टू एक्स इक्वल टू -3, तो एक्स इक्वल टू माइनस, कुछ गड़बड़ किए क्या, गड़बड़ हुआ देखो, एक नहीं सही है, एक्स बाई थ्री बाई रूट टू सही है। अच्छा कभी कभी बुक में ये चीज ऐसा भी मिल सकता है, अगर रूट टू से रेशनलाइज कर दोगे इसको तो एक आंसर तो यहाँ से ये भी मिल सकता है एक्स इक्वल टू 3/√2, और दूसरा भी सेम है तो उसका आंसर भी यही आएगा माइनस ये, अगर रेशनलाइज कर लोगे तो ये हो जाएगा 3√2 और बाई 3√2 / ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ, और ये था फैक्टर मेथड जो आप लोग को पहले से भी पता है। आज हम लोग बात करेंगे अगला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है और कैसे सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। तो सबसे पहले आपको तरीका बताते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना पड़ता है, और फिर उसको फॉर्मूला से आपको बता देंगे, फॉर्मूला से भी आप बना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं, सो ध्यान से देखना, ये स्टेप थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ये, तो सीख लीजिए अच्छे से। रेशनलाइज करके लिखना है ये जरूरत नहीं है, बट अगर आपको आता है तो कोशिश ये कीजिए आज के बाद कि रूट के अंदर जो भी है वो नीचे में नहीं रहता। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करोगे तो रूट के नीचे कोई भी वैल्यू, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं इक्वेशन को किसी भी चीज़ का, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, रूट वाला वैल्यू नीचे नहीं चाहिए, ठीक है, रूट वाला वैल्यू नीचे नहीं चाहिए। अब हम लोग आज बात अगला जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दूसरा मेथड की बात। पहला तो फैक्टर मेथड जो आप लोग को पहले से भी पता था। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं सो सुनिए, हमारे पास सबसे पहले एक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ध्यान से देखना ये डेरिवेशन, और ये अगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या होता है फर्स्ट स्टेप में कि आपको एक्स का कोफिशियंट जो है, एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वो 1 चाहिए, वो क्या चाहिए 1 चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या करो, तो पहली बार है तो पूरा स्टेप लिख के बता रहे हैं। पहला स्टेप क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स्ट्रा में ए है तो ए से ही सारे को डिवाइड कर लो, है ना, क्या करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स by a to make the coefficient of x square, make the coefficient of x square as 1। पहला काम क्या है, x square का coefficient 1 चाहिए, तो सारे को a से डिवाइड कर लो। अगर a से डिवाइड करते हो तो क्या होगा, सो देखो बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए, दोनों साइड डिवाइड किए और इधर तो a है, यानी ये बन जाएगा तुम्हारा x square प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, पहला स्टेप ये काम करना है। दूसरा स्टेप में क्या करोगे कि आपको क्या करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है, स्टेप टू में क्या करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है स्टेप टू सेकेंड स्टेप में, तो उसको आप आर एच एस शिफ्ट करो। स्टेप टू में क्या करना है, शिफ्ट द कॉन्स्टेंट क्वांटिटी जिसमें एक्स नहीं लगा हो,
तो यहाँ पे ए है, सी बाई ए है टू द राइट। अगर इसको राइट में शिफ्ट कर लेते हैं तो हमारा इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई। ये लिखना नहीं है अभी आपको समझाने के लिए, ये चीज़ हम लिख रहे हैं, ये सब लिखना नहीं है। क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो ये सब जरूरत है। सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर को कॉफिशियंट को वन बनाना है, दूसरे स्टेप में जो भी कॉन्स्टेंट है उसको आर एच एस में शिफ्ट करो, थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में एक कॉन्स्टेंट चीज आपको ऐड करना पड़ेगा, एक चीज आपको ऐड करना पड़ेगा कि यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, ये टू ए बी है ना, तो एक बी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, बी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। तो बी स्क्वायर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास क्या है बी बाई ए एक्स है ना, बी बाई ए एक्स है, इसको क्या कर सकते हो टू ए, ए की जगह तो एक्स है हमको पहले से पता है, और टू ए बी, और बी की जगह होगा बी बाई टू ए। देखो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यानी ये चीज ऐसा बन जाएगा, डेट मीन्स जो भी टर्म हमारे पास ऐसा है उसको हम, ये जो टर्म है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो बी बाई ए है उसको ऐसा लिख सकते हो, यानी इक्वेशन क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाई बी बाई एक्स जो था इसको लिख लो टू टू ए टू ए बी बाई टू है। और उसके बाद क्या कर सकते हो, उसके बाद क्या कर सकते हो, जो यहाँ का टर्म था वैसे ही रहने। अब देखो एक एक्स्ट्रा टर्म चाहिए अपने को फोर्थ स्टेप में, जो दोनों साइड ऐड करे ताकि स्क्वायर बन जाए। तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो भी कॉफिशियंट ऑफ एक्स है, यहाँ पे कॉफिशियंट ऑफ ये चीज दिख रहा है ना, ये चीज को क्या करो बी बाई टू ए, बी बाई टू ए के स्क्वायर को, बी बाई टू ए के स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर लो, बी बाई टू ए के स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बी बाई टू ए तो है अवेलेबल, और यहाँ जो एक्स्ट्रा आया बी बाई टू ए इसको इधर भी ऐड कर लो और इसको इस साइड भी ऐड कर लो, सी बाई टू पहले से है और ऐड कर लो बी बाई टू ए का स्क्वायर, ये काम करना है। या आपको एक शॉर्टकट भी सिखाते हैं, शॉर्टकट क्या सिखाते हैं, जो कॉफिशियंट ऑफ एक्स है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्या है बी बाई ए है ना, उसका हाफ कर दो, बी बाई ए का हाफ हो जाएगा वन बाई टू की, और इसको दोनों साइड ऐड कर लो, उसको दोनों साइड ऐड कर लो, उत्सव है बाकी लोग खेलने का टाइम। चलो ध्यान से सुनो, इसको दोनों साइड ऐड कर दिए थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में दोनों साइड ऐड कर दिए, तो ऐड करने के बाद क्या हो रहा है सोचो, अब ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो, देखो यहाँ से ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये बन गया तुम्हारा एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। और इस साइड क्या बन रहा है सो देखो, माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई टू ए का स्क्वायर यानी फोर ए स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व कर लेना, बी एक्स बाई बी बाई टू ए का स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो इसका एलसीएम क्या होगा फोर ए स्क्वायर, यहाँ ए से डिवाइड करोगे तो फोर ए बचेगा, फोर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर ए, और सी पहले से अवेलेबल है और यहाँ से हो गया बी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं, देखो बी बाई टू ए का स्क्वायर ये हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए का स्क्वायर, और जब स्क्वायर दूसरे साइड जाता है, जब स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है रूट हो जाता है, स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो रूट हो जाता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर हो गया रूट। अब देखो यहाँ से एक्स प्लस बी बाई ए, और देखो प्लस माइनस ये वाला चीज ऊपर वाला तो प्लस माइनस में बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन फोर ए स्क्वायर का बाहर क्या निकल जाएगा टू ए, फोर ए स्क्वायर का बाहर क्या निकल जाएगा टू ए। अब यहाँ जो एक्स है उसमें से ये जो बी बाई टू ए है उसको आर एच एस में शिफ्ट करो, तो माइनस बी बाई टू ए और प्लस माइनस, और अवेलेबल क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई में टू ए। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया टू ए,
और ये हो जाएगा बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। तो ये एक्स का वैल्यू आ गया, ये एक्स हम रूट डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे और वैल्यू आ जाएगा, यानी एक्स का दो वैल्यू आएगा। देखो यहाँ से एक बार प्लस लेके, यानी माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, और एक बार एक्स का वैल्यू आएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई। तो एक्स का दो वैल्यू आपको दिख रहा है, यानी दो रूट्स हो गए, दो रूट्स हो गए। एक तो आपको मिल गया कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और एक बार माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, चलो एक बार रिकैप करा देते हैं इस फॉर्मूला को फिर से, क्या क्या किए हैं। सो फास्ट में देखो, फास्ट में रिकैप क्या करा रहे हैं, अपने पास था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ए से डिवाइड कर दिए, तो ए बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो, रिकैप में देख लो। अब उसके बाद क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम क्या कहे हैं, आरएचएस में शिफ्ट कर लो, तो ये बन गया कांस्टेंट टर्म, आरएचएस में शिफ्ट कर दिए, ये बना। अब तुमको एक यहाँ पे तीसरा टर्म ऐड करना है, और थर्ड टर्म या ऐड क्या करोगे सो सिखा रहे। थर्ड टर्म क्या ऐड करना है, हाफ इंटू कॉफिशियंट ऑफ एक्स, कॉफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए तो पहले से है, और हाफ इंटू कॉफिशियंट ऑफ एक्स, कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्या है बी बाई ए, इसका स्क्वायर इस साइड भी ऐड करो और इसका स्क्वायर इस साइड भी ऐड करो, यानी बी बाई टू ए का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे, क्योंकि जो भी काम होगा दोनों साइड होगा। अब ये देखो, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, और ये टू ए भी है कि नहीं चेक कर लो, टू ए के जगह है एक्स और बी के जगह है बी बाई टू ए, अगर कैंसिल आउट करोगे तो यही बन रहा है एक्स इंटू बी बाई ए, यानी इसको लिख सकते हो एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और इधर अपने पास क्या है माइनस सी बाई ए और बी स्क्वायर बाई फोर ए का स्क्वायर। यहाँ से एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और इधर सॉल्व कर लो फोर ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ से फोर ए स्क्वायर पहले प्लस वाला, तो ये लिख लो बी स्क्वायर, और यहाँ से ए कट गया तो फोर ए, और ये माइनस है तो माइनस का फोर ए सी। अगर स्क्वायर को दूसरे साइड लिख चलते हैं तो रूट हो जाएगा, और रूट हो जाएगा इधर प्लस माइनस में, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन फोर ए का रूट में से बाहर टू ए निकल जाएगा, और एक्स को आर एच एस में इसको शिफ्ट करो, माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, और यहाँ से टू ए का एल सी एम टू ए हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यही चीज सिखा रहे थे इतने देर से, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम था इसलिए आराम आराम से बता रहे थे, और यही काम करना था। तो आपको श्रीधर्याचार्य फॉर्मूला को याद रखना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और यहाँ से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज, यहाँ पे इसी फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस माइनस, इस चीज को हम लोग डी बोलते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या बोलते हो, डी बोलते हो। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो डी बाई टू ए, है ना, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेंट बी एस डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, याद रखिएगा डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखो हम डी चेक कर सकते हैं, डी के लिए तीन कंडीशन बनेगा, क्या क्या बनेगा सो ध्यान से सुनना। अगर ए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में बना सकते हैं, और अगर बी स्क्वायर, देखो तीन कंडीशन बन सकता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आएगा, या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो आएगा, और तीसरा कंडीशन आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आएगा, निगेटिव आ सकता है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसका मतलब तो जीरो ही आ जाएगा, और इसका मतलब है निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, डी डी, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो रूट्स जो होंगे, जो हम एक्स निकालेंगे वो रियल होगा, रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा। रियल डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर एक वन आ रहा है तो दूसरा माइनस थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, वन बाई टू हो सकता है, अलग अलग, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा।
और डी अगर जीरो हो गया तो हमारा रूट्स रियल होगा और सेम हो जाएगा, रियल एंड सेम यानी इक्वल आएगा, मतलब एक दो आ रहा है तो दूसरा भी दो ही आएगा, एक चार आ रहा है तो दूसरा ही चार ही आएगा। और अगर डी का वैल्यू लेस देन जीरो आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो रियल रूट्स नॉट पॉसिबल, रियल रूट्स नॉट पॉसिबल, याद रखिएगा रियल रूट्स नॉट पॉसिबल, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो होता है इमेजनरी होता है नंबर, जो हमको अभी नहीं पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ेंगे इमेजनरी नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है जहाँ पे रूट के अंदर में निगेटिव वैल्यू आता है, जो अभी अपने को पढ़ना, तो वो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो आपको अभी तक का जो रिजल्ट है वो क्या याद रखना है आपको, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई एक्स का, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, मतलब एक्स का वैसा वैल्यू इसमें जो इसमें रखने पर जीरो आ जाए, वो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, और सी को श्रीधर या चार फॉर्मूला भी बोलते हैं। दूसरा चीज, इसी फॉर्मूला को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई, ठीक है, ये दो चीज आया। और तीन चीज सिखाया हमने, एक तो डी क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा, एक डी इक्वल टू जीरो होगा और एक डी लेस देन जीरो होगा, डी बोलो तब या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बोलो तब, ये दोनों सेम चीज है, तो ये क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, फिर से रिवाइज कर रहे हैं, रियल एंड अनइक्वल, ये जीरो होगा तो रियल एंड इक्वल, और ये हो जाएगा, ये इमेजनरी हो जाएगा, रियल रूट्स नॉट पॉसिबल, रियल रूट्स नॉट पॉसिबल, याद रखेंगे ये चीज। तो यहाँ से आप आज का जो बेसिक कंसेप्ट था, जो यहाँ पे हम लोग सारा देख लिए, तो अब आप लोग चाहो तो एक्सरसाइज देख लेते हैं एक बार, एक्सरसाइज में क्या क्या है आप लोग भी देख लेंगे। 4.2 फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है, ठीक है। तो आपका होमवर्क रहा एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन से, और 4.2 भी हम लोग पढ़ बना सकते हैं और 4.3 भी बनाएंगे। तो कल के क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा एनसीईआरटी का, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे दूसरे बुक का भी। तो आप लोग का होमवर्क रहा एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 4.2 है वो तो कंप्लीट होना ही चाहिए, और जो इससे आगे हो सकता है वो आगे भी कंप्लीट कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक एंजॉय कीजिए, ठीक है, चलिए क्लास को एंड करते हैं।